बाबा जी अभी नए नए जवान हुए थे, जिनकी लंगोट जरूरत से ज्यादा ढीली थी, साथ ही अपने गुरुजनों से अंदर बाहर का ज्ञान ले रहे थे। मात्र 24 साल के इन बाबा जी को कथा वाचन का काम मिलने लगा था। बाबा जी भिंड से झांसी की बिजोली में कथा करने के लिए आए थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बहुत बड़ी भीड़ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा बनना चाहती है, क्योंकि ये जानते हैं दो कहानी रामायण की या भागवत, बाकी कहानी प्रेम प्रसंगों की, बस बन गए आप कथा वाचक। और यदि ज्यादा ही राष्ट्र प्रेमी वाला बाबा बनना है तो आप उसमें हिंदू मुस्लिम भी जोड़ लीजिए, आप बन गए कट्टर धार्मिक बाबा। अब लौटते हैं भिंड वाले बाबा पर। भिंड वाले बाबा की पिछले महीने झांसी के बिजोली में कथा शुरू हुई। वहां पहले ही दिन एक कन्या को देखकर बाबा के अंदर का लबेरिया लबालब उबाल मारने लगा। थोड़े ही समय बाद उस नाबालिग कन्या का भी लबेरिया फैलने लगा। फिर क्या था, बाबा दिन भर उस कन्या को देखकर मुस्कुराते और कथा के बदले प्यार मोहब्बत के व्यंग सुनाते। वो कन्या इतनी प्रभावित हुई कि शाम को बाबा जी जिस जगह रुके हुए थे वहां भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जाने लगी, जहां पर बाबा जी उसे एक गुप्त ज्ञान देने लगे। उस नाबालिग कन्या को ऐसे ही 7 दिन बीत गए। उस कथा से किसी को कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन कन्या को सच्चा प्रेम और बाबा को कथा वाचन का सच्चा फल उस कन्या के रूप में मिल गया था। फिर क्या, अंतिम दिन बाबा बिना दक्षिणा लिए ही उस कन्या को लेकर देश की यात्रा पर निकल गए। वहां कन्या के परिजन थाने घूमते घूमते परेशान हो गए और यजमान खुद को कोसते हुए मन में बोले कि ऐसी क्या गलती होगी महाराज जी कि आप दक्षिणा लिए बिना ही चले गए। अब यजमान परेशान है कि इतना रुपए उड़ाया है, क्या इसका लाभ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब बाबा ने नाबालिग कन्या को इतना घुमाया कि उसने इतने कम समय में कभी नहीं घूमा होगा। पहले ग्वालियर की होटलों में, फिर मथुरा, फिर वैष्णो देवी और जाने कहां कहां। इस दौरान बाबा ने उस कन्या से विवाह भी कर लिया। गजब की बात तो यह है कि बाबा पहले से भी शादीशुदा थे। बाबा अपने आप को कृष्ण का रूप मानते थे और आसाराम बापू को अपना भगवान। एक नई प्रेम कथा लिखी जा रही थी, लेकिन किसी अभागे ने कन्या से बाबा की कांड की चुगली कर दी। फिर क्या, बाबा की एक नई प्रेम कथा में फुल स्टॉप लग गया। झांसी पुलिस ने बाबा को झांसी बुलवाया। फिर क्या, उन्होंने अपनी दक्षिणा देना शुरू कर दिया। तो बाबा ने कई कहानियां उगल दी, पूरा ज्ञान धरा का धरा रह गया। बाबा के गुरुजी ने बताया था कि कथावाचक 2 शादियां करते हैं। बाबा ने ज्ञान गलत सुन लिया। उन्होंने ये कहा था कि शादी करो या ना करो, लेकिन हर जगह गोपियां बनानी पड़ती और कान करके छोड़ दिया जाता है, साथ लेकर नहीं भागते हैं। लेकिन बाबा नए नए कथावाचक बने। फिर क्या, फूट गई पूरी गुल्ला। वैसे धर्म में अंधा व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, ये तो आपने देख ही लिया। ये कहानी कहीं और की नहीं, आपके झांसी की ही है। अब बाबा के कर्म इस कन्या के बयानों से ही लिखे जाने हैं। पॉक्सो रेप जैसे आरोप बाबा पर थोप दिए गए। इस स्थिति में आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि गलत कौन है, बाबा या कन्या, या कन्या के माता पिता, या वो सब लोग जो 7 दिन बाबा के पैरों का धुला हुआ पानी गंगा जल समझकर पीते रहे। आप कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे है गौरव। धन्यवाद। प्रेमनगर थाने पर कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा, जिनकी उम्र करीब 24 वर्ष है, जो भिंड के रहने वाले हैं, इनको नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये कथा करने के लिए बिजौली आए थे। कथा के दौरान ही अपने प्रेम जाल में नाबालिग लड़की को फंसाकर इसको भगा ले गए और भिंड ले जा कर के इससे शादी कर ली। करीब 6-7 दिन तो वहाँ पर इसको रखा था नाबालिग बच्ची को, फिर मौका पा करके भाग आई थी। जब इसने पुलिस को कंप्लेन किया तो इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इनको गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे पूछताछ पे ये पता चला कि इनके गुरु ने इनको बताया था कि शास्त्र में लिखा है कि कथावाचक को 2 शादी करनी चाहिए, इसी के तहत इन्होंने ऐसा किया है। तो इनको बताया गया कि IPC में कुछ और लिखा हुआ है और उसके अनुसार इन पे कार्रवाई की जा रही है। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक
या YouTube पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।